स्पेल वर्ल्ड के अंदर हम लोग पेनकिंग और पूशी को यूज करके बनाने वाले हैं एनुबिस, और उसकी हम लोग फाइट करवाएंगे कुछ आइस टाइप और सबसे ज्यादा खतरनाक फायर टाइप पोकेमॉन सुदाकू के साथ, जिसे पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि वो मुंह से आग फेंकता है और सब कुछ जला देता है। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू पैल वर्ल्ड। और ये देखो, मैंने बना लिया एक बहुत ज्यादा तगड़ा सा बेस, और यहाँ पर मैंने अपने सारे पोकेमॉन्स के लिए यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर बेड्स लगा दिए हैं, और इधर ये फर्नेस वगैरह लगा दिए। यहाँ पर भाई केक बन रहा है जो कि हमें यूज आने वाला है ब्रीडिंग के अंदर। और ऊपर चल के मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो बेस था वो सिर्फ एक फ्लोर का था, मतलब एक फ्लोर भी नहीं था, बस ग्राउंड फ्लोर ही था, और ग्राउंड फ्लोर के नाम पे भी बस दो बेड लगे हुए थे। और ये देखो मैंने कितना ज्यादा बड़ा बेस बना दिया। अगर अब किसी ने अटैक करा ना भाई, 2 सेकंड के अंदर चटनी बन जाएगी वो तो। अगर यहाँ पर रेड वगैरह हुई ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और ऊपर छत पर मैंने बना रखा है अपना एक ब्रीडिंग फार्म, और यहाँ पर हम लोग ब्रीड करवाने वाले हैं अनुबिस को। और यहाँ पर तुम लोग देखो मैंने एग इंक्यूबेटर भी लगा दिए, जिसके अंदर अब 3-3 इंक्यूबेशन कंप्लीट हो गई है। इसे फटाफट से खोल के देखते हैं भाई। पहले इसके अंदर था लार्ज रॉकी एग, और इसके अंदर से क्या निकला है, सर्पेंट टेरा, और दूसरा एक ह्यूज ड्रैगन एग। अब इसके अंदर से देखते हैं क्या निकलने वाला है। रिलैक्सोसॉरस निकल गया गाइस हमारा। ये ब्रीडिंग के अंदर बहुत ज्यादा काम आ सकता है, और भाई वैसे भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। और अगला होने वाला है हमारा लार्ज फ्रोजन एग, जो कि मैं भाई आइस वाले आइलैंड पे गया था वहां से मुझे मिला था, और इसके अंदर से मिला ये कायरोलिंक्स। 3 हमें नए नए पोकेमोन्स मिले हैं। अब गाइस हम लोग चलने वाले हैं पूशी को पकड़ने के लिए, जो कि हमें यूज आने वाला है अनुबिस की ब्रीडिंग के लिए। और मैं तुम्हें दिखा देता हूं भाई, मैंने पूरा माल पानी इकट्ठा कर लिया है। हमारे पास है भाई 25 मेगा स्फीयर, 7 नॉर्मल स्फीयर और 37 गीगा स्फीयर। अब तो भाई कमी नहीं है किसी भी चीज की। अब तुम लोग बस देखना यार कैसे पूशी को पकड़ के लाते हैं, और लास्ट में हम लोग भाई अनुबिस को ब्रीड करवाने के बाद उसकी फाइट करवाएंगे सुजाकू से, जो कि है सबसे ज्यादा तगड़ा फायर टाइप पोकेमॉन। उसमें आने वाला है सबसे ज्यादा मजा, तो शायद से रात भी होने वाली है, तो पहले सो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट डे हो चुका है और आज हम लोग जाने वाले हैं बूशी को पकड़ने के लिए। पिछली वाली वीडियो में तो गाइस मैं 5-5 बॉसेस को पकड़ के ले आया था, बस मेमोरिस को नहीं पकड़ पाया था। पर तुम्हें एक खुशखबरी और दे देता हूं मैं, कि जब मैं खेल रहा था तो पता नहीं भाई किस्मत से एक मेमोरिस हमारे बेस पे आ गया और उसे मैंने पकड़ लिया। पिछली बार तो भाई इतना ज्यादा मारने के बाद ये मरी गया था एंड में, और हम इसे नहीं पकड़ पाए थे। पर अब देखो यार कितने अच्छे से हमारे लिए काम कर रहा है। अब इसे लेते हैं और फटाफट से बूशी के पास चलते हैं। यहाँ से गाइस हम लोग एंटर होने वाले हैं बूशी के घर के अंदर। मैंने गाइस बढ़िया बढ़िया पोकेमॉन तो लड़ने के लिए रख लिए हैं, जैसे कि मैम और एस को रख लिया है, और मैं तुम्हें एक और चीज दिखाना भूल गया और इसमें अटैक कर दिया, तो मुझे लगा बेवकूफ है ना नाइटविंग, जब देखो इसे लड़ाई करने में मजा आता रहता है। भाई मेरा भी इंतजार कर लो यार। हाँ भाई आ जाओ यार, तुम्हारे बिना नहीं जा रहा मैं। और गाइस ये देखो हमने मैम और एस को तो पकड़ ही लिया, साथ ही साथ मुझे एक मोसांडा लक्स भी मिल गया। इसे अंदर रख लेता हूँ भाई, रुक जा अभी अटैक वटैक कर दे भाई। ये देता है बिजली के झटके, तुम लोग अभी देखना। और तुम ये सोने की जगह ये मैं बता रहा हूँ, ये बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है, यहाँ लड़ने आए हम, क्या सोने की जगह थी ये? गाइस हम लोग आ चुके हैं और शायद यही है बूशी। ये तो कोई चाइनीज आंटी ऐसी लग रही है। और ये रुक रुक रुक, अटैक करना शुरू कर दिया। ले तुझे तो मोसांडा संभालेगा। ये मोसांडा इसमें 2-3 बिजली के झटके दिए जा रहा, अभी देखता हूँ कहाँ की है ये बूशी। अरे हेल्थ तो इसकी थोड़ी धीरे धीरे ही जा रही है। और गाइस हमारा एल्फिन ड्रोन भी यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। और गाइस मेरे पास पॉइजन बो भी पड़ी हुई है, उसे मारता हूँ, पता चलेगा ना जहर के झटके मिलेंगे जब ले। मेरे से दूर रही हो और उसकी हेल्थ जाने लग गई है गाइस। अभी से मुझे लग रहा है 5 मिनट लगने वाले हैं इसे पकड़ लूंगा मैं। और तुम क्या सो जा रहे हो भाई, ये सोने की जगह है क्या? लड़ाई चल रही है, देखो बीच में अपने अलग ही सो रहे हैं। भाई तुम तो रात में सो लिए थे, मैं नहीं सो पाया था भाई। बॉस फाइट चल रही है, मजाक करने का टाइम नहीं है, मर मुरा जाओगे ना फिर मुझे बोलोगे। भाई रिवाइव दे दो, रिवाइव दे दो। ओहो भूसी को उड़ा दिया हमने। तुम्हारी मोसांडा में आग लग गई। मोसांडा अंदर आजा, अंदर आजा बेटा, तुझे आग कैसे लगवा रहा हूँ। रॉबिन क्विल जाएगा, रॉबिन क्विल मारेगा तीर। रॉबिन क्विल को भी क्यों यार, अपनी मैम और इसकी पावर को यूज करके देखते हैं। जा मैम और दिखा दे भाई कितना बड़ा आदमी है तू। मुझे लग रहा है अभी तो मुझे एरोज मारने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। भाई देखो मैं तो बैठ के आराम से गेम देखूंगा। भाई तुम बैठ जाओ, रिलैक्स करो। और ये मुझे टेलीपोर्ट करके मार रही है भूसी। इसमें मारिए जो ये रिलैक्स कर रहा है ना यहाँ पे। आ गया मजा, आ गया। और करो रिलैक्स। आधा तो कर ही दिया हमने भूसी को, बस थोड़ी सी और बची हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ गाइस मैं भी रिलैक्स ही कर लेता हूँ थोड़ी देर। मेरे पास आ रही है, रुक रुक रुक। और नहीं नहीं नहीं, मेरे से दूर, मेरे से दूर। मेरा और टेलीपोर्ट होके मारा इसने। अरे 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 ले और हेडशॉट देता हूँ तेरे में। 29 का डैमेज गया सीधा। वापस बुला सबको, वापस बुला, वापस बुला, वापस बुला, वापस बुला, इसे मैं पकड़ता हूँ। आजा आजा। अरे यार वेस्ट करा दिया एक स्फीयर। आजा 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 आजा, आराम से आ जाइयो, आराम से आ जाइयो। बता रहा हूँ गीगा स्फीयर है, बहुत महंगा आता है, वेस्ट नहीं कराना। और आ गए हैं बूशी गाइस। अब फटाफट से चलते हैं और इसे पेन किंग के साथ ब्रीड कराते हैं और अपने अनुबिस को बनाते हैं। भाई थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है यार तुम्हें। हां भाई तुम्हें कौन ही थैंक यू बोलेगा, बहुत ज्यादा फाइट करी है तुमने यार, पसीने वसीने बह गए होंगे तुम्हारे। तो गाइस मैं अपने बेस पे वापस आ चुका हूँ और ये रही हमारी बूशी। अब बूशी को हमें ब्रीड कराना है पेनकिंग के साथ। पेनकिंग इधर आ यार, तू खाना बाद में खाइयो, पहले ब्रीडिंग करा ले। इधर आ। इसे लेके चलते हैं गाइस छत पे सीधा, पेनकिंग के मजे आने वाले हैं। अब ये ब्रीडिंग करेगा, ऊपर चल भाई। तुम ये क्या काम करवा रहे हो ऊपर खुले में?
अब ये देखो गाइस, अभी तुम्हारे घर में रेड पड़ती है। मैं वापस आ पेनकिंग यार, ये शर्मा गया यार, ये तो इसे अंदर भेजना पड़ेगा मुझे। पेनकिंग अंदर जा, यहाँ जा आराम से। एक भी, अरे बार बार पेनकिंग जा क्यों रहा है यार? पेनकिंग वापस आ यार, उसे खाना खा लेने दो यार। अच्छा भूखा है क्या? ले भाई ले, तू पहले खाना खा यार। 2 seconds later. चल भाई पेनकिंग, बहुत खाना खा लिया तूने अभी, तरह जल्दी जल्दी चल ऊपर, अब इतना टाइम नहीं है मेरे पे, बहुत खुश लिया तूने। चलो इस बार अगर ये खाना खाने नीचे आया ना, इसमें घुसंडी घुसंड मारूंगा मैं। अब फटाफट अंदर चल और अनुबिस बनवा। आप शांति से बैठ जाओ यहाँ पे। सब कुछ खाने को दो ना सब। यार शांति से ना अंदर बैठ जाइयो, अगर अब तू बाहर आया ना, इस बार तू बहुत कुटाई हो जाएगी तेरी। गाइस अब हमें करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर इस ब्रीडिंग फार्म के अंदर हमें डालना है एक केक, इनकी ब्रीडिंग हो जाएगी चालू। अब फटाफट से अंडा दो भाई, अंडा कितनी देर में आएगा? ये तो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं यहाँ पे। और तुम क्या चाहते हो? अरे तो काफी धीरे धीरे कर रहे हैं यार, सुपर हार्ड वर्किंग मोड के बाद भी। चलो कोई बात नहीं गाइस, अब वेट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा अनुबिस का अंडा यहाँ पर आने वाला है। ये क्या कर रहे हो भाई तुम? नमस्ते, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लो भाई मैं डांस कर सकता हूँ। अरे भाई भाई भाई, ये कैसा डांस है भाई? नाचो, मैं देख रहा हूँ भाई, नाचो। यही तो करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ डांस चल रहा है गाइस, और ये बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली 2000 साल के वेट के बाद हमारा अंडा यहाँ पर आ चुका है, और ये देखो भाई कितना ज्यादा बढ़िया अंडा है। फटाफट से चल के इंक्यूबेटर में रख देते हैं, और यहाँ पे भाई बाकी हमारे 3 अंडे जो हमने रखे थे वो भी यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, तो इन्हें फटाफट से निकालते हैं। इसमें से क्या निकलने वाला है? एक छोटी बिल्ली निकली है, इसमें से एक रेप्टोक्रिस्ट, जैसे अभी पहले भी निकला था वही निकला है। इस वाले में से निकला है हमारा रेप्टोक्रिस्ट। अब फटाफट से अनुबिस के अंडे को इसके अंदर रख देते हैं, और अब मैं देखता हूँ भाई इसमें कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। 1 घंटा लगेगा अनुबिस को आने के अंदर, पर मुझे पता है ना कि इसे कैसे फास्ट करना है। हम लोग यहाँ पर फटाफट से कैंप फायर बिछा देंगे, कैंप फायर लगाते ही 1 घंटा शायद 30 मिनट हो जाना चाहिए, आधा टाइम तो लगना चाहिए भाई। ये देखो भाई, और अगर मैं एक और कैंप फायर लगा दूं यहाँ पे, 3-3, 4-4 कैंप फायर लगा देंगे तो भाई 2-3 मिनट के अंदर ही ना आ जाए। भाई फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है, ज्यादा हो गया टाइम, एक कैंप फायर शायद कम पड़नी पड़ेगी। रुकना रुकना, तो गाइस इसे आधा घंटा लगने वाला है, और इतने टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास गाइस एक भी आइस टाइप पोकेमोन नहीं है। पर अभी मैंने रिसेंटली यहाँ पर अपना आइस वाला आइलैंड को भी अनलॉक करा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि गाइस हम लोग आइस टाइप पोकेमोन पकड़ के लाएं। चिंदी सानी को ये बिल्ली बिल्ली नहीं कह रहा मैं, कोई बड़ा आइस टाइप पोकेमोन। तो गाइस अब हम लोग अपने आइस वाले आइलैंड के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग लेके जाने वाले हैं किसी आइस टाइप पोकेमोन को। भाई कितना ज्यादा ब्यूटीफुल एरिया है, तुम लोग देखो भाई कितने बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पर। वो देखो सामने भाई, ये किसका पेड़ है? ये कितना ज्यादा ह्यूज है भाई, ऐसा लग रहा है पूरा एक माउंटेन ही है। फटाफट से चलते हैं किसी आइस टाइप पोकेमोन को पकड़ने के लिए। भाई मेरे पीछे चलो तुम। चलो भाई तुम्हारे पीछे चल लेता हूँ, तुम ही हो भाई असली प्रो, तो कहाँ पर हो तुम? पीछे 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 पीछे। कहाँ? नीचे नीचे। अबे तो नीचे बोलो ना, पीछे क्या होता है? मतलब पीछे और नीचे दोनों। भाई पागल कर देना मुझे तुम। यहाँ पर कौन है ये 40 लेवल के पोकेमोन है कोई? अबे तुमने अटैक भी कर दिया, वेट तो कर लेते मेरा। अरे भाई मैंने नहीं किया यार, ये नाइटविंग बहुत बदतमीज है। भाई भाई नाइटविंग है ही बदतमीज, जब देखो ये अटैक करता रहेगा। भाई ये कौन सा अटैक है? तुम मुझे लग रहा है मरने वाले हो। इन्हें मैं बताता हूँ, अब इन्हें पता नहीं है ना कि इनके सामने एक प्रो आदमी आ चुका है, वो बताएगा इन्हें। अच्छा भाई एल्फिड्रोन की आधी कर दी बेटा, मोसांडा लक्स जाएगा, हालत खराब इनकी वो करेगा। अरे पॉइजन वो वेस्ट करा रहे हैं भाई, मोसांडा लक्स को भी मार तो रहे हैं, पर मेरे पास अभी बहुत सारे पोकेमोन है। और ये कौन सा अटैक था? अरे बाप रे, अरे 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 तू नीचे ऊपर आ, मेमोरिस्ट देखेगा बेटा तुम्हें तो। ये इसके हेडशॉट, अरे जमा दिया इसने मेमोरिस्ट को एक ही अटैक में। इसी को टारगेट कर रहा हूँ, इसके मत्थों में ना एक एक करके पॉइजन बो मारे जा रहा हूँ मैं। अरे भाई उड़ा दिया इसे, बहुत बढ़िया मेमोरिस्ट बेटा। इन्हें लग रहा है मेमोरिस्ट आसान है क्या कोई मारना उसे? रख रख के क्रॉस बो मारूंगा उसके सिर में मैं। जमा देखा वो तुम्हें और मैं नीचे गिर गया। शिट 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 शिट, मेमोरिस्ट तू संभाल लियो, मेमोरिस्ट संभाल लियो भाई, मैं नीचे क्यों गिर गया। अरे 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 थोड़ा दूर चलता हूँ भाई, ले और खा। अरे भाई ये कौन सा अटैक है ये? बिजली मार मोसांडा, बहुत तगड़ा। रात भी होने वाली है भाई, इसे रात से पहले पकड़ना है यार। मेमोरिस्ट से नीचे मत उछाल दियो, बच्चे ने पहाड़ से नीचे फेंक दे, ऐसे ही मरमुरा जाए वो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ले और अटैक कर तू। अरे अरे भाई नीचे फेंक दिया उसे, कहाँ फेंक दिया? रॉबिन क्विल को भेजता हूँ इतनी देर में। जा रॉबिन क्विल तू मार इसमें, अब मारते रहो हेडशॉट पे हेडशॉट। मेरे 40 लेवल वाला पीछे सो गया। सो भी क्या वो? उसके दोस्त की यहाँ पे फाइट चल रही है, वो पीछे सोने चला गया। बिल्कुल तुम्हारी वाली हरकत है उसकी भी। क्या? अरे ठंडक लगने लग गई मुझे। अरे यार रात हो गई, अब हम लोग नहीं मार सकते, सॉरी यार। क्या हो गया, डर क्यों रहे हो? टॉर्च तो है। अबे यार ये कौन से ड्रामे। अरे मैं गिर गया, अबे मैं कब मर गया यार, मुझे तो पता ही नहीं चला। ओ हाँ 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 हाँ, मत करो यार, उठाओ मुझे। हाँ हाँ कर देंगे वो पीछे। आजा आजा बेटा आजा तू, अब लगेगा स्पेयर मारा इस पे, क्या पता आ जाए। भाई पहली ट्राई में आ गया तो मजा आ जाएगा। आएंगे कैसे पहली ट्राई में, 37 के भी तो हैं भाई साहब हमारे। ये सो रहा है क्या, कुछ कर ही नहीं रहा अब। ले 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 और बैठ खाओ तू, और बैठ खाओ। आजा आजा आजा, देख अब आ जाना चाहिए, अब तू आ जाना चाहिए, अब मैं बहुत मार चुका हूँ। भाई साहब इसमें मैं ऐसे ही मारूंगा, चला दिया भाई। आग लग गई बेटा, अब तो आएगा तू, अब तो आएगा।
अबे भाई मर गया, मर गया यार। यार इतनी गंदी किस्मत क्यों है हमारी, जब भी किसी को मारते हैं भाई वीडियो में नहीं आते ये लोग। जैसे ही इन्हें पता होता ना कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, आएंगे ही नहीं। जब अकेला होगा ना तब तो बेस पे चल चल के आ जाएंगे। मैमरेश ने भी ऐसी करा था भाई, घर चलो यार, पूरा मूड की ऐसी तैसी हो गई। भाई भाई सुन यार, ये बहुत रेयर है भाई, ये बहुत ज्यादा रेयर है। अरे कौन है मुझे बताओ तो सही। ये जब तुम पेलडेक पे वो करोगे इसकी लोकेशन देखोगे तो इसकी लोकेशन भी नहीं दिखेगी, बहुत रेयर है ये मसार मराथ। हाँ। अगर रेयर है तो ऐसी क्या बात है, अभी लपेटते हैं उसार डजा। यार ये हैं भी तो इतने बड़े बड़े, एक को पकड़ लेंगे, 36 वाला है, इसे मारो, बाकी भाग रहे हैं, मारो मारो मारो। पर अभी दिक्कत ये है ना, मैं अभी कुछ कर ही नहीं पा रहा, मुझे हाथ में टॉर्च लेके खड़ा होना पड़ रहा है, वरना इसमें भाई मैं मत्थे में इतनी क्रॉसबो मारता ना मजा आ जाता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मोसांडा भाई, और झटके मार इसमें। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हमारे मोसांडा की भी इतनी हेल्थ कम नहीं हो रही, इनकी भी हेल्थ कम नहीं हो रही है, लड़ रहे हैं नाच रहे हैं। यार मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? नाइटविंग से ग्लिच हो गया है, नाइटविंग की हेल्थ नहीं कम हो रही बिल्कुल भी। हमारे पहल वर्ल्ड में एक बार फिर कोई ग्लिच हुआ है, पर इस बार अच्छा वाला ग्लिच हुआ है। भाई मैमरेश में आग लगा दी इन्होंने। भाई भाई वापस आ वापस आ वापस आ मैमरेश वापस आ। ये आग कैसे लगा रहे हैं? ब्रिज चला तू जाइयो जरा। भाई नाइटविंग की अगर हेल्थ ही कम नहीं हो रही तो फिर तो हम इन्हें मार ही सकते हैं। और गाइस सब लोग आओ सामने देखो, नाइटविंग की सच में हेल्थ कम नहीं हो रही है। मैं वही सोचूं यार, इतनी देर से लाइटविंग लड़े जा रहा है, उसकी हेल्थ कम नहीं हो रही है, और हमारे मोसांडा भाई की हेल्थ कम हो गई। पता नहीं गाइस कितना टाइम लगने वाला है हमें पकड़ने में, पर यार इस बार ये पकड़ में आ जाए प्लीज भाई, इस बार ना मर जाए मैं भाई सच में रो दूंगा। एक भी पकड़ में नहीं आता जब भी मैं ऐसे लड़ता हूं ना इतने बड़े बड़े पोकेमॉन से, बड़ी बड़ी लेवल्स वाले से। और दिन भी हो चुका है गाइस, पूरी रात हम लोगों ने निकाल दी है भाई। तो शॉट मारो अब ठंड नहीं लगेगी, अब शॉट मारो ठंड नहीं लगेगी। अरे हाँ आप दिखाता हूँ गाइस, अब सुबह भी तो हो गई, मैं भूल गया था यार, अब इनके मत्थों में लपेटता हूँ मैं। अरे मेरा निशाना क्या हो जाता है एकदम से, ले बता ले। अबे यार क्या निशाने मार रहा हूँ मैं, 32 का डैमेज, मुझे मत मार दियो। इधर मुझे ऐसे लग रहा है कोई नूब हो गया मैं। इधर 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 मोसांडा 36 वाले पे, वो कहीं और ही मार रहा है। अरे भाई मोसांडा की हेल्थ कम कैसे हो गई, मेरे पे आ गया, तुम्हारे पास आ गया। अरे भाई बेटा ये ऊपर कैसे आया, हाथी बचा मुझे, हाथी मेरे भाई, हाथी मार, बहुत बढ़िया उड़ा दे से नीचे। ऊपर कैसे आ गया तू, पता नहीं है क्या। अरे 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 मैं नीचे भाग जा, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। अरे मैं नीचे आ गया, उशिट मैं गलती से नीचे आ गया। भाई आ जा यार, भाई आ जा यार, आ जा तेरी यार भैंस की टांग तेरी, आ जा। इसे पकड़ रहे हो भाई, आ गया भाई, आ गया भाई, तुमने रियर वाला पोकेमोन पकड़ लिया। अभी हम निकल लो, ऐसे निकल लो भाई, इससे पहले बाकी लोग मारे। निकल लो सही में निकलो। मेरा नाइटविंग में ग्लिच नहीं हुई ना, तुम्हारे वाले में हुई है, मेरा नाइटविंग मरमुरा जाएगा, इधर आ जाओ नाइटविंग। लड़ना नहीं है। निकलो। अरे भाई मेरी नाइटविंग में आग लगा दी, ओए शिट शिट, मुझे भागने नहीं दे रहे यार ये। भाई 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 निकलो। नाइटविंग उड़ भाई उड़, जलना नहीं है तुझे, घर तक तू ही पहुंचाएगा मुझे आज। भाई 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 सेफ है क्या हम लोग यहाँ पे? और गाइस अब फटाफट से घर पे चलते हैं, और हमारा अनुबिस का टाइम भी पूरा हो गया होगा। भाई अब देखो गाइस, हमारे पास दो दो आइस टाइप पोकेमोन हो चुके हैं। एक है अपना ये रेट्रो ग्राइस, जो भी नाम है, और भाई कितना बड़ा है ये। अरे भाई साहब ये तो अलग ही लग रहा है यार, पावरफुल पोकेमोन लग रहा है। और गाइस ये है वो रेयर वाला पोकेमोन, जो की बहुत ज्यादा रेयर है, मतलब बिल्कुल रेयर आइस टाइप पोकेमोन है। और तुम लोग देखो भाई ये भी कितना उछल उछल के पत्थर तोड़ रहा है, इसका अलग स्टाइल है भाई पत्थर तोड़ने का। ये देखो कैसे तोड़ेंगे पत्थर, ये अपनी मुंडी से तोड़ते हैं, ये उछल उछल के तोड़ रहा है। अब फटाफट से देखते हैं क्या पता गाइस अनुबिस भी निकल चुका हो, फटाफट से चलते हैं और ऊपर चल के अपने अनुबिस को बाहर निकालते हैं। अब इसे फटाफट से ओपन करते हैं, 3 2 1। और गाइस हमारा अनुबिस हमारे पास आ चुका है, अब मैं इसे फाइट कराने के लिए लेके जाने वाला हूँ सुजाकू के पास। और पहले एक बार मैं देख तो लूं भाई, इसे फाइट तो बाद में कराऊंगा, अभी तो छोटा बच्चा है यार ये, लेवल 1 का। और रेड पड़ी है भाई, अनुबिस को ही देख लेते हैं। पर अनुबिस यार मरमुरा ना जाए ना, अभी मुझे ये भी तो दिक्कत है भाई, कोई बढ़िया सा पोकेमोन आए ना तो उसे पकड़ लेना। ये दो ये ढोलू मोलू से पोकेमोन आ रहे हैं, ये ढोलू मोलू आ रहे हैं। अनुबिस जाइयो भाई, बस मर मत जाइयो, देख तू लेवल 1 का है अभी, छोटा बच्चा है, देखता हूँ भाई कितने अटैक करना आता है इसे, अटैक कर फटाफट। अरे भाई ये कौन सा अटैक कर रहा है, इसने पटाखे से फोड़ दिए, मरना नहीं है। देख मैं तेरे, कोई बात नहीं अभी तो छोटा बच्चा है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बाद में तुझे अकेले भेजूंगा मैं। आजा भाई साहब अनुबिस का अटैक तो बहुत तगड़ा यार, मारियो अनुबिस इसमें। अरे 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 फट रहे हैं ये भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये पास में आके ब्लास्ट हो जाते हैं भाई, यही तो इनकी खासियत है भाई। तो ये खासियत तो मुझे तब बताओगे क्या जब मैं मर जाऊंगा भाई, ये नहीं मैं बता रहा हूँ भाई, ये अपने टीम का आदमी नहीं है, ये अपना दुश्मन है गाइस, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मरवाएगा किसी दिन हमें। भाई अनुबिस को लेके आओ यहाँ पे अंदर। हाँ भाई कहाँ लेके आना इसे, अब इस पे एरो बनाने के लिए इसको उस पे फेंको। तुम राजाओं से भाई एरो वाला काम कराओगे, और ये कहाँ भाग भाग के जा रहा है यार, इसे लड़ाई करनी है, राजा होगा अपने घर का, एरो बना पहले। अरे भाई क्या स्पीड में काम कर रहा है ये, तुम लोग देखो 5 सेकंड के अंदर इसने 69 एरोस बना दिए, 5 सेकंड में, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, इतनी देर में मैं सेंटेंस भी नहीं बोल पाया, इसने एरोस बना दिए। भाई अनुबिस को रुको यार, प्यार करना पड़ेगा थोड़ा सा भाई, बहुत बढ़िया यार अनुबिस। The next day. All right guys, तो next day हो चुका है, और अब हम लोग जाने वाले हैं सुजाकू को पकड़ने के लिए, और फटाफट चलते हैं अपने फायर आइलैंड पे। और मैंने अपने अनुबिस को भी ले लिया है, अभी तो यार वो छोटा बच्चा है, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि यार वो सुजाकू को एकदम बढ़िया तरीके से मारेगा। तो गाइस अब हम लोग अपने फायर वाले आइलैंड के वहां पर भी आ चुके हैं, और फटाफट से यहाँ पे सुजाकू को ढूंढते, और भाई एकदम ये पूरा रेगिस्तान जैसा
ऐसा लगता है। और यहाँ पर एक चेस्ट भी पड़ी हुई है, इसे भी खोल लेता हूँ। बस यहाँ पर ना मुझे अब इसके लिए यार सिल्वर की चाहिए, सिल्वर की नहीं है। और भाई इन छोटे वाले से पंगा मत लेना, ये वही है भाई जिन्होंने रेड मारी थी, एकदम से मुझे पहचान में आ गए भाई। ये पास में आते ही ब्लास्ट हो जाते हैं, पता नहीं क्या चूल है इनमें। रॉबिन को लक्स, अरे 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 मारेंगे 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 भाई, ये बिजली मारते हैं। निकलो 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 भाई 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 जल्दी नाइटविंग भरा भरा भरा, चल चल मुझे लेके चल, टाइम नहीं है भाई, फटाफट से पहले सुजाको को ढूंढना है। यहाँ पे भाई इतने सारे रॉबिन कुल घूम रहे हैं भाई, ये तो इतने झटके मारेंगे ना जिंदगी भर तक झटके ही लगते रहेंगे। ऐसे निकल लो फटाफट भाई, इतना बड़ा आइलैंड है, मुझे तो ये भी नहीं पता सुजाको मिलेगा कहाँ पर। और हेरा हेरा हेरा, अरे मैं बोल ही रहा हूँ भाई, अभी हम बात ही कर रहे थे मिलेगा कहाँ पर, और एकदम मिल गया। कितने लेवल का ये? 42 भाई। भाई भाई पकड़ तो पाएंगे ना इसे भाई, कैसा अटैक है इसका, कुछ कर ही नहीं रहा है तो। अभी अंदर आइयो भाई नाइट विंग जरा, अनुबिस तू जाया एक बार यार, देखना चाहता हूँ मैं तेरी पावर को, बस तुझे मरना नहीं है जरा वापस। अबे यार अबे पीछे ये टोकाटो भी आ गए, अबे यार भाई यार ये चीज नहीं अच्छी लगती है यार। अब ये ब्लास्ट हो जाएंगे इसके पास, ये मेरे पे अटैक कर रहा है भाई, सब मुसांडो को आधा कर दिया इसने भाई। यार यार ये क्या बदतमीजी है भाई, मैं उससे लड़ने आया हूँ, ये सारे पता नहीं क्यों लड़ने लगते हैं भाई। निकलो यार यहाँ से भाई, ऐसे तो जीत ही नहीं पाएंगे, मुसांडो को आधा कर दिया, पीछे से रॉबिन क्विल भी आ गए भाई। एक काम करो, सब लड़ लो, सब लड़ लो, आ जाओ सब। हम यार दो छोटे छोटे आदमी, पूरी सेना आगे लड़ने के लिए। यहाँ पे ये ड्रैगन भी घूम रहा है एक, अबे यार एक और रॉबिन क्विल लक्स। पर ये अकेला है यार, इसे पकड़ सकते हैं क्या? पकड़ो पकड़ो ट्राई करो। अबे यार नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, अकेला नहीं है भाई, पूरी सेना है इसकी। ओए चल 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 चल, निकल 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 निकल। भाई 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 अकेला वहां घूम रहा था, इसके पूरे भाई फैमिली मेंबर तो यहीं पे घूम रहे थे। निकलो निकलो भाई यहां से, मस्ती नहीं। और ये ओए लकी टोकाटो, लकी टोकाटो भाई पकड़ लो यार। ऐसे क्या मजाक, 48 लेवल का है भाई, तुम मजाक कर रहे हो या मजाक चल रहा है? रहने दो यार, रहने दो रहने दो रहने दो। और एक और सुजाको दिख गया है मुझे हवा में, तू आ जा आज। सुजाकू इधर, पागल हो गया भाई सुजाकू भी है। बस बाकी कोई नहीं आना चाहिए इधर, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत मारूंगा अगर कोई भी आ गया तो। अनुबिस जा, पॉइजन वो मारते हैं इसमें भाई, पकड़ लेना यार। ओरे 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 वापस 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 भाई, तो आग वाले टॉर्नेडो फेंकता है भाई, बिल्कुल बदतमीज। ओरे 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 आग लगा देगा भाई ये तो। अरे 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 बेटा सुजाकू आज तुझे हमारे साथ चलना है घर पे, हमारे बढ़िया सा बेस है वहाँ पे, रहियो आराम से, कोई टेंशन नहीं है तुझे। और खा, अरे यार अनुबिस डेंजर में है, मैं अपना रेयर वाला भेजता हूँ। अनुबिस अंदर आ बेटा, तू अभी छोटा बच्चा है, बाद में फाइट करियो, ये बड़े बड़े पोकेमॉन्स हैं भाई, आग वाले टॉर्नेडो यार अजीब ही है। अरे 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 रेयर वाला क्या कर रहा है, मार भाई। अरे अरे भाई भाई भाई, भाई जला मत दियो भाई, मैं बच्चा हूँ भाई, इनसे लड़ भाई, ये मेरे पोकेमॉन भेजे हुए, उनसे लड़, मेरे से मत लड़ बस। ले और का ओए मुसांडा तू जा यार, मैं खाना खाऊं और इसने मेरे में आग लगा दी। मुसांडा तुझे मारना है देख। अरे भाई मेरी हेल्थ बड़ी तेज तेज जा रही है, मैं मरने वाला हूँ। अरे यार रुक रुक रुक, मैं आया, जल्दी आओ भाई, मैं मर कैसे गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया, एकदम से झटके से हेल्थ कम हुई है मेरी। बहुत सही भाई, क्या झटका दिया है। और यार इतना फर्क भी तो नहीं पड़ रहा ना इन्हें, बहुत बढ़िया भाई, एल्फी ड्रैन भी अच्छा मार रहा है। मुसांडा भाई मारो भाई, मुसांडा भाई मर गए। शिट जा भाई रेयर वाले, तू संभाले जा, तू तो आइस टाइप है, तुझे तो मार देना चाहिए इसे। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अरे 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 भाई 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 आराम से यार। अरे यार एक तो आग लगा दी इसने फिर से। ओए मेरा पेनकिंग देखो कहाँ चला गया, उसे देख जल्दी देख। कहाँ कहाँ कहाँ, अरे भाई मैं जल जाऊँ, कहाँ चला गया, मरने वाला हूँ मरने वाला हूँ। वो भाई वो कहाँ चला गया पेनकिंग, ओए इधर आ भाई, अलग ही अपना खेलने चला गया वहाँ पे। कहाँ चला गया सुजाकू, सुजाकू नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। अबे यार ऊपर अच्छी खासी फाइट चल रही थी, इसे नीचे जाने में अलग शौक चढ़ रहा है। ले तू पॉइजन वो खा भाई, दो दो का डैमेज क्यों जा रहा है पॉइजन बो से। ओरे 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 भाई तुम मत मर जाना। ओ शिट भाई, इसे क्रॉस बो से ही मारो, इससे कोई डैमेज ही नहीं पड़ता इसे। अबे और नीचे गिर गया क्या, भाई कहां गया। अबे यार इसने बहुत तंग कर रखा है यार, मार अनुबिस मार। अरे 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 भाई बच्चा है अनुबिस हमारा यार, इतना भी मार भाई, हेल्थ तो हमने काफी कम कर दिया इसकी यार। और तुम भाई मेगा स्फीयर फेंक के अलग मजे ले रहे हो, ऐसे थोड़ी ना आएगा वो। नहीं यार थोड़ा कैप्चर रेट बढ़ जाता है उसका, चिंता मत करो, बढ़िया है ये भी काम। अनुबिस के तुम देखो भाई क्या अटैक कर रहा है। अरे अनुबिस मर गया। अरे यार मेरे पास तो बस मेमोरीज बचा है, अब फेंक दो मेमोरीज कोई। यार मेमोरीज जल जाएगा ना, दिक्कत भी तो ये है, पर बचा ले हमें बस। मार 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 मेमोरीज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भाई बॉल तो मारो भाई, इसका कैप्चर रेट कम कैसे हो गया है। मैंने एक गीगा स्फीयर फेंका है, इस पर स्फीयर फेंकता रहूंगा। अबे यार मेरा वेस्ट करा दिया एक, मैं फेंकता रहता हूँ स्पीयर। मारो 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 इसमें, वो पकड़ लिया शायद, वो आ गया भाई, मैंने सुजाकू को पकड़ लिया है भाई साहब। भाई मजा आ गया यार, मुझे पता नहीं था इतने आराम से आ जाएगा एक दो स्पीयर के अंदर ही। और अभी तो इसकी हेल्थ भी थोड़ी बहुत तो बची हुई थी, मुझे लगता है एकदम एंड पे आके आएगा। अब फटाफट से भाई यहाँ से निकलो, इससे पहले की मौत हो जाए हमारी, घर चलो फटाफट। और बेस पे चल के देखते भाई कैसा है हमारा सुजाकू। भाई मजा आ गया आज फाइट करके गाइस, मैं बेस पे आ चुका हूं, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है भाई। अपना सुजाकू किधर है, ये रहा भाई सुजाकू। अनुबिस तो अंदर बैठ बेटा, अभी सुजाकू की बारी है भाई। ये रहा हमारा सुजाकू भाई, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है अब इससे। भाई मैं पता क्या करने वाला हूँ, इससे मैं खाना पकवाऊंगा। अब इसने बहुत मेहनत करवाई है ना हमसे, सब में आग लगवाई है, अब इससे मैं आग लगवा के ना यहाँ पे ऑमलेट वगैरह बनवाऊंगा। इधर आजा इधर आजा, ये देख यहाँ पे बना तू ऑमलेट, अब यही तेरा काम है। 89 ऑमलेट बना तू, अब ले ले बना 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 बना। पर यार ये कितनी ज्यादा स्पीड में काम कर रहा है भाई, ऑमलेट बनाने में कितना टाइम लगता था और इतनी देर में। मैं बोल रहा हूँ ऑमलेट बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं। तो गाइस आज हम लोग सबसे ज्यादा खतरनाक फायर टाइप पोकेमॉन सुजाकू को पकड़ के आ चुके हैं, और नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करने वाले हैं सबसे ज्यादा खतरनाक आइस टाइप पोकेमॉन फेंगुलोक को पकड़ने की। तब तक तुम लोग जाके ये वाली पैल वर्ल्ड की वीडियो देखो, जिसके अंदर मैंने 5 बॉसेस को पकड़ा था। टेक केयर एंड पीस।